Hi student, how are you today? In the last lecture we discussed about the process of photosynthesis. हमने last class में photosynthesis के बारे में थोड़ी बहुत study करी, उसकी property के बारे में समझा. Now today we are going to discuss about the significance of photosynthesis. Photosynthesis के क्या फायदे हैं और इसका इस earth पर और हमारे लिए क्या importance है. That is important point, the significance of photosynthesis. Heading डाल दीजिए, significance. Significance of photosynthesis. Okay, so the first significance is that the photosynthesis is a vital process for life on planet Earth, as it is the only process that links the physical and biological world by conservation of solar energy into the organic material या organic matter which make bulk of the dry matter of any organism. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो photosynthesis है एक vital process है और ये पृथ्वी पर जो भी vital processes हैं, life की processes हैं, उसको maintain रखने का काम करता है और ये एकमात्र ऐसी process है जो physical world को बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक एसोसिएशन शो करता है, एक लिंक शो करता है, राइट? तो सोलर एनर्जी का क्या है, एक कंजर्वेशन है जो कि एक रेडिएशन के फॉर्म से, फिजिकल फॉर्म से ये बायोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है और ये ऑर्गेनिज्म के ड्राई मैटर में यानी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट होता है, कंज्यूम होता है. नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर इज आल्सो एन आउटकम ऑफ फोटोसिंथेसिस. एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन निकलती है वो फोटोसिंथेसिस का ही बाई प्रोडक्ट है एंड दिस ऑक्सीजन इज हेल्पफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज अ वाइटल प्रोसेस. लिख लीजिए, इट इज वाइटल प्रोसेस by which क्या होता है, कन्वर्जन है एक तरह से, कंजर्वेशन, which play an important role or links and between link between physical and biological world and biological world because it is a conversion या conservation process. Next, evolution of oxygen in the environment. That is another important process of photosynthesis. And in this way, it helps to the living organism in two way. कौन कौन से वे? ऑक्सीजन दो तरीके से हेल्प करती है. फर्स्ट, ये एरोबिक जो रिस्पायरेशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइडर है एंड इट इज़ अ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल जिसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं. लिख लीजिए, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन
ऑक्सीडेटिव डेटिव ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल ओके, जिसको हम कॉमनली रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं ओके, रेस्पायरेशन प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज मेकिंग ऑफ ओजोन. मेकिंग ऑफ ओजोन लेयर, याद रखिए जब तक कि ये ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं हुआ था तब तक ओजोन की लेयर का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ था. सो मेकिंग ओजोन इन आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फियर व्हिच हेल्प टू स्टॉपिंग द हाईली डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकने का काम, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल रेडिएशन है, इससे प्लांट के साथ साथ ऑर्गेनिज्म की भी लाइफ खतरे में पड़ सकती है. सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फिल्टर करना, उसकी इंटेंसिटी को कम करना और उसको रोकने का जो काम है वो ओजोन लेयर करती है, और ओजोन लेयर ऑक्सीजन से बनती है. दैट इज़ वाई इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिजर्व टू सेव द लिविंग वर्ल्ड. ओके, नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट, क्या चाहिए होता है, क्या इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को फुलफिल करते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं. हेडिंग डाल दीजिए फोटोसिंथेटिक रिक्वायरमेंट्स. फोटो सिंथेटिक रिक्वायरमेंट. मेंट ओके, फोटोसिंथेसिस पे में कौन कौन सी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है. फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2. इट कम्स फ्रॉम एटमॉस्फियर एंड 0.03%, जिसको हम 300 या 350 ppm कह सकते हैं, इतना ही कंसेंट्रेशन काफ़ी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. यानी बहुत ही लेस अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म किया जा सकता है. सेकंड, द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट व्हिच इज मेनली अकर्स थ्रू द स्टोमेटा. सो आल्सो बाय द जनरल बॉडी सरफेस एंड लेंटिसल्स, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस होती है वो स्टोमेटा के थ्रू होती है, मेनली होती है 98 to 99%, एंड सम अमाउंट में जनरल बॉडी सरफेस और बहुत ही कम अमाउंट में लेंटिसल के थ्रू होती है. तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड में. It comes from environment. कितना होता है इसका रेशियो, 0.03 से लेकर, ठीक है, इतना ही परसेंट है जिसको हम 300 टू 350 पास पर मिलियन कह सकते हैं. 300 to 350 ppm concentration is enough for the photosynthetic process. ठीक है, दूसरा exchange of gases.
exchange of gases takes place by the stomata 95% to 99% तक डिपेंड करता है जनरल बॉडी सरफेस लैंटिसल्स एटसेट्रा. ठीक है, यहां से होता है गैसेस एक्सचेंज. नाउ इट इज एसिमिलेशन अकर्स into the glucose during the dark reaction by the utilization of assimilatory power. That means ATP and NADPH2. ठीक है, तो इसका assimilation होता है कहाँ पर? Inside the leaf during the dark reaction process. Dark reaction process में carbon dioxide का assimilation होता है और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? एनर्जी. ठीक है, इट इज एसिमिलेशन अकर्स इनटू ग्लूकोज. लिख लीजिए, इट इज एसिमिलेशन इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन. ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बाय द यूटिलाइजिंग ऑफ एसिमिलेटरी पावर. कौन कौन से? By the utilizing the assimilatory power, power that is ATP and NADPH2, that is ATP adenosine triphosphate and NADPH2 nicotinamide adenine diphosphate, जिसको हम reducing power भी कहते हैं. reducing power next Next point, point number 4. The addition of carbon dioxide is called carboxylation. Carboxylation. इसमें लिख लीजिए, the addition of carbon dioxide is known as कार्बोक्सीलेशन. इसी को हम कार्बोक्सीलेशन कहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर के साथ ज्वाइन होकर प्रोसेस को परफॉर्म करता है, तो इसे कार्बोक्सीलेशन प्रोसेस कहते हैं. एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स रूबिस्को एंड पेपकेज. एंड नेक्स्ट पॉइंट, and it is catalyzed with the help of enzyme. It is catalyzed with the enzyme Rubisco and phosphoenol pyruvate is
ओके पेप्टाइड तो दीज आर एंजाइम्स विच आर यूज्ड आर यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस नेक्स्ट द प्रेजेंट लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 एंड कैम प्लांट ठीक है आज के टाइम पर जो प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है C3 और CAM प्लांट के लिए देख लीजिए फिफ्थ सिक्स पॉइंट द कंसंट्रेशन लेवल Concentration level of carbon dioxide it may be limiting factor for C3 plant and CAM plant C3 plant CAM plant but not for C4 plant काफी important information है I will tell you later what is C3 plant CAM plant and C4 plant अभी आपको बस इतना समझना है कि जो कंसंट्रेशन लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये C3 के लिए लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकता है कैम के लिए हो सकता है लेकिन C4 के लिए नहीं क्यों क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का इससे बहुत कम लेवल पर भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल हो तो C4 के लिए वो एनफ है पर्याप्त है दे वर्क एट अ मिनिमम लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज व्हाई नेक्स्ट फैक्टर आता है वाटर वाटर की प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं कि वाटर कहाँ से आता है और उसका क्या रोल है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में तो हेडिंग डाल दीजिए वाटर 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 इट कम्स फ्रॉम द सॉयल ये डायरेक्टली रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होकर प्लांट तक पहुंचता है तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए इट कम्स फ्रॉम सॉयल फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट और रूट हेयर्स एंड ट्रांसपोर्टेड बाय water conducting tissue which is known as xylem जिसको हम xylem कहते हैं absorbed by the root or root hairs and conducted by xylem. Okay? Xylem is the conducting tissue जिसके through water का absorption होकर leaf तक transportation हो जाता है तो transport कौन कर रहा है xylem. Next important point. Only 1% of total water absorbed is utilized in photosynthesis. काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओनली 1% यानी जितना वाटर एब्जॉर्प्शन होता है रूट के थ्रू उसमें सिर्फ 1% ही यूटिलाइज होता है फोटोसिंथेसिस में वाटर यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस ओके Next point, point number 4. The oxidation of water takes place during the light reaction of photosynthesis
एंड इट प्रोवाइड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, जो ऑक्सीडेशन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइट फेज, ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में ही फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और उसका रिजल्टेंट क्या होता है, एंड इट प्रोवाइड एंड इट प्रोवाइड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ऐसे एनर्जी रिसोर्स मिलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलता है, एंड द इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय द वाटर आर ट्रांसफर्ड बाय द NADP. जो इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है वाटर के थ्रू वो कहाँ से ट्रांसफर होता है, बाय NADP. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वाटर आर ट्रांसफर्ड बाय द NADP. द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनेटेड बाय वाटर ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफर्ड बाय NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट. ये कैसे हो रहा है, लुक एट दिस, NADP प्लस हाइड्रोजन है प्लस इलेक्ट्रॉन. नाउ इट कन्वर्टेड इन टू द NADPH2 NADPH2. ओके, सो द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनेटेड बाय द वाटर इज ट्रांसफर्ड बाय द NADP इन दिस वे, एंड दिस इज फॉरवर्ड आर ट्रांसफर्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिएक्शन में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा. सो NADPH2 डू द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर. सो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट. सो NADPH2 डू द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड रिड्यूसिंग पावर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, सो इट इज कॉल्ड एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर एज पर द साइंटिस्ट हिल. यहां पर लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट पॉइंट, द लाइट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. लाइट play an important role in the oxidation of water. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह से ऑक्सीडेशन होता है वाटर का. सो इट इज नोन एज फोटोलिसिस ऑफ वाटर
इसी को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर. पॉइंट. सो ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द वाटर वॉज फर्स्ट स्टेटेड बाय वॉन नील एंड एक्सपेरिमेंट प्रूवन बाय द रूबेन कॉमन एंड हैसिट. ठीक है, उन्होंने O18 जो कि एक तरह से रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन था इसका इस्तेमाल करके इस बात को प्रूव किया. नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम वाटर एंड इट इज प्रूव्ड बाय सर्टेन साइंटिस्ट जिनको हम रूबेन कॉमन के नाम से जानते हैं. Which is proved by Reuben Kamen and Hassett. By using oxygen 18, which is a radioactive element. तो उन्होंने रेडियोएक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करके इस बात को प्रूफ किया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से आती है, वाटर से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. ये काफ़ी बड़ा एक्सपेरिमेंट था क्योंकि इसके पहले ये कन्फ्यूज़न था कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज होती है या फिर वाटर से, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीजन पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज नॉन ऑक्सीजेनिक एज वाटर इज नॉट यूटिलाइज्ड. काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता क्योंकि यहाँ पर वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता. सो द सोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस बाय द साइनोबैक्टीरिया. तो सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने वाटर को यूटिलाइज किया और ऑक्सीजन को रिवील किया. ठीक है, तो लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया यूटिलाइज वाटर इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस. फर्स्ट यूटिलाइज वाटर during photosynthesis. Okay. साइनोबैक्टीरिया ये पहले बैक्टीरिया थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस में वाटर को यूटिलाइज किया और उसके पहले जो बैक्टीरिया पाए जाते थे वो वाटर का यूटिलाइजेशन नहीं करते थे और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन नहीं करते थे.